डिजेस्टिव सिस्टम है ये वाला, क्योंकि सारे लोग समझते हैं जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर, आप लोगों के साथ इसको जानते हैं ऐसी बात नहीं है, जस्ट ऐसे थोड़ा सा ओवर व्यू करने के लिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कंप्रेसर का जैसे हम सेक्शन करते हैं जो सक्शन फिल्टर लगा होता है, नॉर्मल सी चीज है, सारे लोग समझते हैं कि क्या बात एयर इसके अंदर से आनी है और चले जानी है। अगर आप इसकी मेंटेनेंस व्यू से देखते हैं तो सबसे मेजर चीज जो है, सबसे बड़ी चीज है यही एयर फिल्टर, ठीक है। अगर आप एयर फिल्टर को हम क्या करते हैं, स्पेशली जितनी भी आपके टेक्सटाइल यूनिट्स हैं तो वो फ्लफ बहुत ज़्यादा है, डस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो जो ही आपके फिल्टर्स के अंदर जाती है तो फिल्टर चोक होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो स्टाफ है कंप्रेसर रूम का, वो क्या करता है, फिल्टर को निकालता है, एयर का पाइप पकड़ता है, उसमें मारता है और दोबारा उसको लगा देता है। ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। हालांकि इसका प्रोसीजर ये है कि जो इसकी टेक्नोलॉजी मुझे कहती है कि फिल्टर जो है इसको आपने लगा लिया, चोक हो गया, उसको उतार दें और नया लगा। ये कंप्रेसर बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो ये कहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हमारा गरीब मुल्क है, अगर हम डेली बेसिस पर एक फिल्टर चेंज करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमें उसको सफाई करनी है, ठीक है, लेकिन सफाई करने का हमारा तरीका गलत है। हर मिल के अंदर मैंने बहुत सारे जहां जहां मैं गया, जैसे एहसान साहब आए, इनको पता है कि मैं जाकर लोगों को अपने हाथ से करके भी बता के बताया कि जी ये इस तरह इसको करें तो ज्यादा मुनासिब होगा, बेहतर होगा। मतलब ये कि ये पेपर, जितना पेपर जो होता है ये नॉर्मल जैसे पेपर है, अगर आप इसमें आप 8 बार या 7 बार आपका प्रेशर उसका पाइप मारेंगे तो ये पेपर फट जाएगा। तो क्या होता है कि वो जो फिल्टर है वो विजुअली आपको नजर नहीं आ रहा कि उसके अंदर कितना बड़ा सराख हो गया। ये जो इनटेक है ये हमें 5 माइक्रॉन चाहिए, ठीक है। जो फिल्टर जो होता है ये लगा हुआ होता है, ये 5 माइक्रॉन का लगा होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम उसमें एयर का प्रेशर मारते हैं तो वो कुछ सराख 1 मिलीमीटर का सराख हो गया, तो आपने तो उसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर उसको मैक्रान में जाकर गिने इसका मकसद आपने तो 1 लाख का उसमें सराख कर दिया था, ठीक है। तो मकसद है कि वो जो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्रेसर की तो वो तो नहीं है, अभी फिल्टर लगा हुआ नजर आएगा लेकिन वो काम नहीं कर रहा। वो उससे लॉसेस क्या हुआ कि आपका जो ऑयल है उसकी विस्कासिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, आपका जो ऑयल फिल्टर है उसकी चोकिंग जल्दी हो जाएगी, आपका ऑयल सेपरेटर जो है वो जल्दी चोक हो जाएगा। गलती क्या की है हमने, सिर्फ इनटेक फिल्टर को हमने एयर मारी उसमें सुराख होगा जो कि हमें विजुअली नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो इसका